हर पार्टी इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, दिन भर बातें चलती रहती है कि मेहंदी में क्या पहनेंगे, हल्दी में क्या पहनेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब लोग अपने अपनी तैयारी कर रही है। मैं वो पहनूंगी मेहंदी कपड़े, सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं विदाई की जगह ढूंढ रही हूँ, सब विदा होंगी तो मैं कहाँ जाके बैठूंगी? कहीं नहीं, अम्मी भागने में नाच के विदा करेंगी, रोएंगी ना। एक घंटे बाद हम विदा होके आए थे तो हमारे डोली के पीछे पीछे बेटी कार आ गई थी। आप लोग मेरे साथ चलना, नहीं चलो अजीब है, क्यों हम लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे, रोज पर रही है अच्छी अम्मी, जो बोलोगे अच्छा अम्मी रोने तो मैं कोई शादी की बात नहीं करूँगी। तुम तो नहीं रो रहे, सारी भी आ गए, बिदाई माई सबको हुई जो इंसान स्माइल करो, मुझे भी दे दो रोने की। अब हंसो, आपको पता है ना नहीं रोना है। चलो स्माइल, नहीं तो फिर हम शादी की बातें नहीं करेंगे, तैयारी भी नहीं करेंगे। मुझे तो रोना ही नहीं आता, कोई कितना गिरा मैं होती ही नहीं हूँ। बनाने की जिम्मेदारी ले ली है तो कर दूंगा। ये बीज का पूरा हटाना है, तरबूज के पीसेस होते हैं पहले उसको काट लो, फिर अम्मा ने कहा कि उसके आगे के पीछे पहले निकालते हैं और लास्ट में इसके पीछे का छिलका निकालते हैं। देखो मैंने आपको कद्दू छीलना भी सिखा दिया है और मैंने भी पहली बार सीख लिया है, तो अभी हम इसको छील लेते हैं। चीजें कट गई है फ्रेंड्स, कद्दू मैंने काटा है, सही काटा है ना। अभी हम ये कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, कद्दू डाल देंगे। कद्दू बनने रख दिया है।